नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट की ही एक खबर, दरअसल हाल ही के अंदर एक आदेश जारी हुआ है। आदेश शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि को लेकर है, यानी कि इसके पहले भी एक आदेश जारी हुआ था, एक आदेश कल जारी हुआ। क्या आपकी संविदा अवधि में कोई संशोधन हुआ है? क्या अब शिक्षा मित्रों को यानी कि अल्प वर्षों तक या फिर उससे भी अधिक वर्षों तक कार्य करना होगा? क्या उस यानी कि कार्य करने की तिथि में मानदेय वृद्धि की भी घोषणा है? सब कुछ आपके साथ आगे वीडियो में प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर आप देखें, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आय सीमा के संबंध में 3/4/2023 को ये नोटिस जारी है। जौनपुर के अंदर जहाँ पर जो शब्द यहाँ पर लिखे गए, एक बार यहाँ पर जो भाषा लिखी गई है वो आप देखें कि अतएव उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र जिनकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो गई है, उन्हें विद्यालय से कार्यमुक्त करते हुए तत्काल मानदेय अवरुद्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। जहां पर यह ट्वीट त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा किया गया कि इस पत्र की भाषा बहुत ही कठोर है, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही विद्यालय से कार्यमुक्त करते हुए तत्काल मानदेय अवरुद्ध करें, कम से कम इतना तो लिख देते साहब कि सम्मान सहित कार्यमुक्त करते हुए। यानी कि यहां पर जब आपको यानी कि कार्य की जब आप कार्य कर रहे थे, कार्य सीमा में शिक्षा मित्रों को सम्मान नहीं दिया गया, और ये कड़वा सच है। ये बातें सरकार तक भी पहुंचती हैं, सरकार स्वयं शिक्षा मित्रों को सम्मान नहीं देती, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मित्रों पर अयोग्यता का ठप्पा लगाया। जहां पर अब रिटायरमेंट की बात आती है, तो यहां पर कहा गया कि तत्काल प्रभाव से इन्हें कार्यमुक्त किया जाए, कम से कम यहां पर कुछ सम्मानजनक शब्द जोड़ दिए जाते तो शिक्षा मित्रों को भी अच्छा लगता। फिलहाल के लिए रीसेंट की अपडेट थी, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपके बीच में कवर की जाए। फिलहाल के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।